का इंट्रोडक्शन आज लेंगे। ठीक, तो चलो चलिए भाई आज देखते हैं। जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको। तो एक बार फिर आपका स्वागत है संजीत बायोलॉजिकल वर्ल्ड में, और आप बने रहें और आपके साथ हम लोग हम भी बने रहेंगे। तो आपका क्या करना है कि अगर पहली बार चैनल पे हैं तो कृपया करके आप क्या करें, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर दें ताकि आपके दोस्त को भी काम आ जाए। तो ये रहेगा आपका इंट्रोडक्शन लेक्चर। और फिर नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे जिसमें कि जो यहाँ पर टॉपिक लिखे हुए हैं ये सब टॉपिक बताना है। ठीक, तो आप चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या क्या पढ़ना होता, पहले टॉपिक देख ले फिर उसके बाद ये देखेंगे हम लोग। तो देखिए पहले टॉपिक क्या, टॉपिक क्या क्या हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा जो कि क्लास टेंथ में पढ़े थे हम लोग, ब्रीफ रिव्यू टू सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस देखेंगे हम लोग, या कह सकते हैं कि थोड़ा सा जानेंगे इसके बारे में। फिर हम लोग का स्टार्ट होगा मेन लेक्चर, जिसको कहते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यानी पहला रहेगा आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर दूसरा होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर चौथा लेक्चर जो होगा आपको गैमेटोजेनेसिस पे होगा, यानी कि गैमेटोजेनेसिस को मेल में हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ठीक, और यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म बाई टेस्टिस। ठीक, और इसके बाद फीमेल में पढ़ेंगे इसी चीज़ को ओजेनेसिस के नाम से, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ एग, या फिर कह सकते हैं मैचुरेशन ऑफ एग, क्योंकि फीमेल में क्या होता है कि एग फॉर्मेशन नहीं होते हैं। ठीक, वो पहले से फॉर्म होते हैं ड्यूरिंग इट्स इंट्रायूटरिन लाइफ, समझे। तो सिर्फ इसका क्या होता है कि मैचुरेशन होता। और नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद, यानी ओजेनेसिस पढ़ेंगे, और फिर इसके बाद थोड़ा सा ब्रीफ रिव्यू लेंगे क्या प्यूबर्टी और उसका चेंजेस पे, क्या चेंजेस होते हैं बॉयज़ और गर्ल्स में, ये देखना है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल पर। फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल ये देख रहे हैं, मतलब जितना भी टॉपिक लिखा हुआ सभी एक लेक्चर का फॉर्म है, तो सब एक एक लेक्चर होगा। इससे क्या होगा कि हम लोग का लेक्चर छोटा भी होगा और आसान भी हो जाएगा समझने के लिए। ठीक, और इसके बाद क्या आता है कि फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर फर्टिलाइजेशन के बारे में, फिर इम्प्लांटेशन, और इसके बाद रहेगा फिर प्रेगनेंसी और एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर होगा ये वाला, और हालांकि सभी लेक्चर इम्पॉर्टेंट हैं, और ये आगे मतलब मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला लेक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। ठीक, और इसके बाद फिर पार्चुरेशन रहेगा और लैक्टेशन होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन को। अब इंट्रोडक्शन में सबसे पहले क्या कहा जा रहा है कि रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है ना, रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है क्या करते हैं, अपने जैसे बच्चे को जन्म देते हैं, अपने जैसे हूबहू, है ना। तो अब देखिए फॉर एग्जांपल की अगर बात करें, तो अगर एक ह्यूमन जो है अगर जन्म देगा तो एक ह्यूमन बेबी को ही जन्म देगा, यानी कि मानव तो मानव को ही ना जन्म देंगे। और अगर गाय की बात करें या काउ की बात करें तो वो काल्फ को जन्म देंगे, फिर टाइगर की बात करें तो वो कब को जन्म देंगे, फिर डॉग की बात करें तो पप्पी को जन्म देगा, है ना, और कैट की बात करें तो किटन को। तो ये सब है, यानी कि रिप्रोडक्शन का मतलब यही होता है कि अपने जैसे बच्चे को जन्म देना। ठीक, आया समझ में। तो चलिए आगे देख लेते हैं इसका इंट्रो, और थोड़ा सा दिया हुआ इसको कंटिन्यू करते हैं क्या कहा जा रहा है इंट्रो में। अब ये आपका चैप्टर से आ गया। देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे कि कुछ एनसीईआरटी का रहेगा और कुछ जो है हम लोग बाहर से भी लेंगे ताकि आपके एग्ज़ाम यानी नीट पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर हो जाए, नीट में कोई दिक्कत ना हो। ठीक, नीट के एग्जामिनेशन में कोई दिक्कत ना हो। और हम लोग क्या करेंगे, प्रत्येक चैप्टर के बाद पीवाईक्यू करेंगे नीट के भी और बोर्ड के भी, सीबीएसई एज वेल एज बीएसई भी, और जो जितने भी स्टेट बोर्ड्स हैं सभी इसके लिए ये लाभदायक होगा। तो चलिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या है, हमको पता है कि ह्यूमन आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस ऑर्गेनिज्म। तो यानी कि ह्यूमन जो है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स है ना, और इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, विविपेरस कहते हैं। विविपेरस का मतलब क्या होता है बता देते हैं। तो विविपेरस का मतलब होता है कि एक ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डायरेक्ट बेबी को बर्थ दे, ठीक ना, जो अपने बच्चे को डायरेक्ट बर्थ दे। और एक होता है
ओविपेरस, जो कि पहले क्या होता है कि एग को पहले अंडा देता है, फिर उससे क्या निकलता है, चूजा निकलता है, यानी कि उसके बाद बच्चा निकलता है उससे। लेकिन ह्यूमन बींग में और कुछ जितने भी मैमल्स होते हैं उसमें क्या होता है कि डायरेक्ट बेबी को बर्थ देता है, तो इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, विविपेरस कहा जाता है। और दूसरी बात, ह्यूमन क्या है, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन क्या है, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या इवेंट्स होते हैं रिप्रोडक्शन में। रिप्रोडक्शन में क्या होता है, द रिप्रोडक्टिव इवेंट आर एज फॉलोज, क्या क्या हो सकता है देखिए आपका, ये इसमें गैमेटोजेनेसिस सबसे पहला आता है, गैमेटोजेनेसिस यानी कि जैसे प्यूबर्टी आता है, यानी कि मेल की बात करें तो मेल में 13 to 14 ईयर्स, 13 to 14 ईयर्स के बाद जो होता है क्या होता है कि स्पर्म का बनना स्टार्ट हो जाता है। और फीमेल में अगर बात करें तो क्या होता है कि 10 to 12 ईयर्स के बाद एग का मैच्योरेशन स्टार्ट हो जाता है। तो यानी कि दोनों में क्या होता है कि गैमिट का बनना स्टार्ट हो जाता है कह सकते हैं। ठीक, उसके बाद दूसरा क्या है, अब ये गैमिट बना है तो कहीं ना कहीं तो इसको ट्रांसपोर्ट करना होगा, तो इसको क्या करता है कि करना होता है ह्यूमन का, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में क्या होता है, हम लोग को ट्रांसफर करना होता है स्पर्म को। तो इस क्या होता है कि मेल जिनाइट क्या कहते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के द्वारा अगर हम स्पर्म को क्या करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में रखते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंसेमिनेशन, क्या कहते हैं, इंसेमिनेशन। फिर तीसरा आता है फर्टिलाइजेशन। अब देखिए क्या होता है कि एग और स्पर्म मिलेगा तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, और जिसके का रिजल्ट क्या होगा, हमको जायगोट मिलेगा। अब देखिए इन जायगोट में डेवलपमेंट होने के बाद एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार सेल, ऐसे कर करके मतलब सेल्स का नंबर बढ़ने लगेगा, ठीक ना, माइटोसिस के जरिए, तो जिसको हम क्या कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट का बनना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। फिर इसके बाद क्या होता है कि सेवन सेल स्टेज में जाकर के क्या होता है कि यूट्रस में, यानी कि देखिए आपको तो पता होगा फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, फेलोपियन ट्यूब में, फेलोपियन ट्यूब में कहाँ पर, एम्पुला में। और इसके बाद देखिए जैसे हुआ, फिर उसके बाद सेल का नंबर बढ़ने लगता है, सेल का नंबर बढ़ने लगता है तो जैसे सेवन सेल स्टेज होता है, यानी कि सेवन सेल स्टेज ब्लास्टोमियर क्या होता है कि ये इम्प्लांट हो जाता है। इम्प्लांट कहने का मतलब ये जा करके यूट्रस में चिपक जाता है, ठीक ना, और फिर यूट्रस का तीन वाल में से किसी वाल में, ठीक ना, समझे, तो चिपक जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, अब यहाँ से प्रेगनेंसी स्टार्ट होता, तो इस प्रेगनेंसी का पीरियड जो होता है 9 मंथ का ह्यूमन में, इसको हम क्या कहते हैं, गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। और फिर उसका बाद लास्ट में क्या होता है, पार्चुरेशंस। और इसके बाद अगर हम एक टॉपिक और जोड़ना चाहें तो हम जोड़ सकते हैं इसमें, इसको हम कह सकते हैं, इसमें हम क्या कह सकते हैं, आठवां टॉपिक को हम कह सकते हैं क्या, लैक्टेशन। अरे भाई बच्चे जन्म हुए तो उनको तो फिर मिल्क फीडिंग भी चाहिए ना, लैक्टेशंस, तो ये होता है। तो आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है, आज का लेक्चर में कुछ था नहीं, बस ऐसे इसको स्टार्ट करना था आज का शुभ दिन को लेकर के। तो चलिए आज से क्या होगा कि रेगुलर आपका ये लेक्चर आते रहेगा और आप लोग अपना प्यार दिखाते रहें। थैंक यू सो मच, राधे राधे, हरे कृष्णा।